डिजिटल तस्वीर का क्या हुक्म है? एशिया के तमाम मुफ्ती और अरबों में से 20% मुफ्ती इस पर मुत्तफिक हैं कि हर तस्वीर हराम है। अरबों में 80% मुफ्ती कहते हैं नहीं, कैमरे की तस्वीर जायज है। लेकिन अरबों में भी 20% मुफ्ती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अभी माजी करीब के लोगों में से इब्न बाज रहमहुल्ला, वो कैमरे की तस्वीर को कतन हराम कहते थे और मादरदाद नाबीना थे और पूरी जिंदगी में उनकी कोई तस्वीर नहीं ले सका कोई फोटो वाला, कोई कैमरे वाला उनका फोटो नहीं ले सका, कभी वो टीवी पर नहीं आए। और सऊदीया के वो मुफ्ती आजम थे और उनका फतवा था कि कैमरे का फोटो हराम है। एक मर्तबा हम वजारत की दावत पर हज के लिए गए तो बिन बाज रहमहुल्ला ने हमारी दावत की, पूरे तमाम जितने दुनिया में से आए हुए थे हज करने के लिए सबकी दावत की। वो नाबीना एक सीधा साधा बुड्ढा बैठा है स्टेज पर, लेकिन पूरे माहौल में कोई फोटोग्राफर नहीं था। अजीब बात थी, वो एक बूढ़ा आदमी है, अंधा आदमी है, स्टेज पर बैठा है, सीधा साधा आदमी है, मगर उसका रौब इतना था कि पूरे माहौल में कोई फोटोग्राफर नहीं था। तो अरबों में भी 20% उलमा हैं और एशिया के तो सारे मुफ्ती मुत्तफिक हैं कि कैमरे का फोटो जायज नहीं है। मोबाइल में भी कैमरा है, उसमें डिजिटल है, उसका फोटो भी जायज नहीं, हराम है। इस सिलसिले में एक फतवा दारुल कराची में दारुल कोरंगी से हजरत मुफ्ती शफी साहब कुद्दसा सिर्रहू के मदरसे से एक फतवा लिखा गया और उस फतवे को देवबंद और सहारनपुर में भेजा गया। उस फतवे में यह था कि डिजिटल का फोटो है, उस पर फोटो का हुक्म नहीं लगना चाहिए। उन्होंने गलती ये की कि ये ईमेल से भेजा, दारुल देवबंद ने उसका रद्द लिखा, मजाहिर उलूम ने उसका रद्द लिखा, मगर वो चूंकि ईमेल से उन्होंने भेजा था तो वो दुनिया में सब में आम हो गया और जंगल के आग की तरह से फैल गया कि डिजिटल का फोटो फोटो नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। एशिया के सब मुफ्ती मुत्तफिक हैं और दारुल कराची से भी फतवा पूछो, वो अब भी हराम का ही फतवा देंगे। और वो जो उन्होंने सवाल देवबंद सहारनपुर वगैरह बहुत से दारुल इफ्ताओं को भेजा था, वो राय लेने के लिए भेजा था, वो फतवा नहीं था। एक किस्सा सुनाऊं मैं, आज से 30 साल पहले का किस्सा है। लखनऊ में नदवतुल उलमा ने 85 साल जश्न मनाया, सेलिब्रेशन किया। तो नदवा वालों का अरबों से बहुत ताल्लुक है, तो बहुत उलमा आए हुए, उसमें उर्दून के एक बड़े आलिम आए हुए, वो देवबंद होकर लखनऊ गए। तो वो देवबंद जब आए तो हमारे उनके बहुत गहरे ताल्लुकात हो गए, बड़े आलिम थे वो। खैर, वो वहां गए, पीछे से दारुल देवबंद से भी 15 असातिज़ा मद दारुल ने भेजा उसमें शिरकत के लिए, उसमें मैं भी गया। तो स्टेज पर पहली 2 सफों में अरब उलमा थे और बाकी हम लोग पीछे थे। तो वहां जलसे में बुरी तरह से फोटोग्राफी हो रही थी, हम बेकस्तम तो पीछे बैठे थे, हो रहा था, और अरबों के यहां जायज है, वो बड़े शौक से फोटो खींचवा रहे थे। फिर वो जो आलिम देवबंद से गए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप हदीस जानते हैं, बुखारी की हदीस में इसकी ममानियत है और आप बड़े शौक से फोटो खींचवाते हैं। तो उन्होंने फौरन कहा कि ये कैमरे का फोटो हराम नहीं है, हिंदू जो मूर्तियां बनाते हैं ये सूरत हराम है। तो मैंने उनसे पूछा ये फर्क क्यों है, कहने लगे मूर्तियों की पूजा होती है और कैमरे के फोटो की पूजा नहीं होती। मैंने कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। असर के बाद मैंने कहा शेख आओ चलो तफरी करके आए।
تو جب میں لکھنؤ میں پہلی مرتبہ گیا تھا, وہ ندوے کے پاس میں ایک بڑا دریا گھومتی ندی چلتی ہے, اس کے پول سے جب میرا رکشہ آگے گزرا تو دائیں ہاتھ پر ایک چٹائیاں باندھ کر کے ایک ٹیمپریری مندر بنا ہوا تھا. اب تو وہاں باقاعدہ مندر ہے, اس وقت وہ ٹیمپریری مندر بنا ہوا تھا. تو رکشہ میں جاتے میری نظر پڑی تھی, تو میں نے شیخ سے کہا شیخ آؤ چلو تفریح کر کے آئے, اور میں ان کو لے کر کے میں نے وہیں کھڑا کر دیا مندر کے سامنے. میں نے کہا شوف شیخ, ہذا سورہ مجسمہ ام سورہ شمسیہ, شیخ دیکھو یہ مورتی ہے یا کیمرے کا فوٹو ہے. دیکھا, کہنے واللہ سورہ شمسیہ, خدا کی قسم یہ تو کیمرے کا فوٹو ہے. تب میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ دنیا میں کیا کیا پوجا جاتا ہے. اب تو یہی کیمرے کے فوٹو ہی سارے ہندو پوچھتے ہیں, گھروں میں بھی یہی فوٹو ہیں, بسوں میں بھی یہی فوٹو ہیں, انہی پر دیے جلتے ہیں, انہی پر پھول ہار چڑھتے ہیں. میں نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ پہلی دوسری صف میں نہیں بیٹھے, ہمارے ساتھ تیسری چوتھی صف میں بیٹھتے تھے اور رومالیوں کھینچ کر بیٹھتے تھے. پھر ڈیجیٹل